हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बडी। इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन का इंटरफेरेंस वाला पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम वेज शेप फिल्म्स से जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है हम उसको देखेंगे और जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं उनके बीच का जो फ्रिंज वृत्त है वो भी हम देखेंगे कैसे निकलता है, क्योंकि कैलकुलेशंस जो हमारी होंगी, जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, उसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूले से ना पूछ के वो डेरिवेशन के बीच में से भी कई बार पूछ लेते हैं, तो हम दोनों डेरिवेशंस देखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बिल्कुल डायरेक्टली मैंशनड है, ठीक है, तो इसको ज़रूर करके जाएँ और इस वीडियो को और आगे वाली जो वीडियोज हैं इससे रिलेटेड इसको पूरा देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारी बाकी की वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो वेज शेप फिल्म है, ठीक है, इससे हमारी जो पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है। तो सपोज़ कीजिए हमारा वेज शेप फिल्म है जिसकी इंक्लाइनेशन अल्फ़ा है, ठीक है, इस पर हमारी कोई भी हमारी रे पड़ रही है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इस इंटरफेस पे क्या होगा, इस इंटरफेस पे एक तो रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा पार्शियल, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ से एस से आ रही है, इसको हम ए नाम देते हैं और इसको हम बी नाम दे देते हैं। अब इस बी पॉइंट से फिर से क्या होगा, एक तो रे बाहर इमर्ज हो जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट करके, और यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से फिर इमर्ज करेगी। तो ये हमारा जो है रे डायग्राम इसका बन रहा है। अब ये जो दो रेज आ रही हैं, ठीक है, इन दो रेज की वजह से हमारा इंटरफेरेंस शो होगा, ठीक है, और ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड इसका होगा, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड इस रे का नहीं होगा और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस रे से भी कम होगा। तो इससे हमारे दो जो है रेज बन रही हैं, या फिर कह लो कि इस तरह से काफ़ी रेज है लेकिन हम खाली दो शो कर रहे हैं और ये इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहे हैं हमको। तो हम इसका क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। वो कैसे, हमारी जो ये पूरा पाथ है ए बी एंड सी, ठीक है, इसका डिफरेंस किससे होगा, यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल डाल दें एन, ठीक है, तो ए एन ए बी सी माइनस ए एन, ठीक है, ये हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। फेज डिफरेंस जो हमारा है इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इन मीडियम माइनस ए एन, ठीक है, इन ईयर, ए एन इन ईयर, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब उसके बाद मीडियम में है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम ऐड करेंगे। सपोज़ कीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, न्यू है, और ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है हमारे पास, ठीक है, हम ये सारे अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी न्यू माइनस ए एन, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। अब साइन आई की वैल्यू कैसे निकालें, हम साइन आई की वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल ए एन सी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइन आई है इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए सी, और इसी तरह से जो साइन आर है उसके लिए हम ट्राइंगल ए एम सी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो साइन आर है इज इक्वल टू ए एम अपॉन में ए सी, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन इज इक्वल टू न्यू न्यू ए एम, ठीक है, ये हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई। अब हम हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आया, ए बी प्लस बी सी न्यू माइनस न्यू ए एम, ठीक है। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो ए एम प्लस एम बी, ठीक है, तो हमने लिख लिया ए एम प्लस एम बी प्लस बी सी माइनस ए एम न्यू, ठीक है, हमारे पास ये आया। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों कट रहे हैं और हमारे पास क्या आ गया, एम बी प्लस बी सी न्यू। अगर हम फिगर से देखें तो एम बी
प्लस बी सी ये आ रहा है, लेकिन जो हमारी फिगर की ज्योमेट्री है उससे हमें क्या पता चलता है कि ये वाला एंगल इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू आर प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ वाला एंगल भी आर प्लस अल्फा था, लेकिन वो स्पेस नहीं थी इसलिए आई कांट राइट इट, ठीक है। तो मैं ओनली आपको बता देती हूँ कि ये वाला जो एंगल था वो आर प्लस अल्फा है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये भी आर प्लस अल्फा हुआ, ओके। और ये दोनों एंगल इक्वल है इसलिए ये दोनों लेंथ भी इक्वल हुई, ए बी सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो अब हमें दे रखा है ए एम बी प्लस बी सी, ठीक है। हम बी सी को बी डी से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा एम बी प्लस बी डी, ठीक है, न्यू। तो ये पूरा क्या हमारा बन रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा हमारा बन रहा है एम डी, ठीक है, एम डी न्यू, ओके। हम अगर अपना ट्राइंगल लें ए डी एंड सी, तो इसमें अगर हम कॉस अल्फा ले रहे हैं, ठीक है, इस एंगल से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू एम डी अपॉन में सी डी, ठीक है। तो जो हमारा सी डी है एक्चुअली ये क्या है फिगर के अकॉर्डिंग, ये फिगर के अकॉर्डिंग हमारी जो थिकनेस है उसके इक्वल है, जो मैक्सिमम हमारी थिकनेस है ये उसकी इक्वल आएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, टू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू एम डी, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, डेल्टा इज इक्वल टू एम डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू टू टी कॉस आर प्लस अल्फा न्यू। और एक और चीज़, ठीक है, स्ट्रोक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू भी इंट्रोड्यूस होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो है रेयरर से डेंसर के क्योंकि हमारा रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ अगर हमारा पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, और फेज डिफरेंस पाई से और ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आया वो ये आया। अब हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ हो रही है और हमारी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कहाँ बन रही हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा पार्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा पार्ट डिफरेंस है इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, यही हमारी कंडीशन होती है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा अरेंज करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, टू न्यू टी कॉस आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। हम हमारी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हमारे वहाँ पे उस जगह पे ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा जो पार्ट डिफरेंस है मस्ट बी इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाय 2, इट मींस लैम्डा बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अब हम इसको फिर से अरेंज करते तो हमें क्या मिलता है, हमारा पार्ट डिफरेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, r प्लस अल्फा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अगर ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हमें उस जगह पे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है। अब हम इनके बीच की जो स्पेस है, जो फ्रिंजेस के बीच में स्पेसिंग है, हम वो देखेंगे।